और उनको सोते सोते लगा कि उनको कोई जगा रहा है रात को और उनके कान में कह रहा है उठो तपन मिश्र उठो, अब सोने का समय नहीं रहा, तुम अपना आत्म कल्याण चाहते हो ना, तो कल्याण तुम्हारे द्वार पर आ गया है। आज इस नगर में निमाई पंडित का आना हुआ है और वे नर नहीं है, वे नारायण हैं। तुम शीघ्र उनके चरणों की शरण ग्रहण करो और वो तुमको तुम्हारे उद्धार का उपाय बताएंगे और जिससे तुम्हारा सर्वविध कल्याण होगा। अब किसने जगाया उनको जाके तो प्रभु ही जाने। बस सवेरे वे उठे हा गौर हा गौर हा गौर कहते और ढूंढने लगे नगर में कहां है गौरांग, कौन गौर, कहां से आए, कैसे आए। बहुत बड़ा नगर नहीं था, उनको महाप्रभु जी मिल गए और महाप्रभु जी का दर्शन करके चरणों में लोटपोट होने लग गए और कहा हे नाथ, मुझको रात में आप ही निमाई पंडित हैं, मुझको रात में सोते समय किसी ने उठाया कि जाओ निमाई पंडित की शरण ग्रहण करो, वही यथार्थ कल्याण होगा। वो कौन था मुझे उठाने वाला, जगाने वाला कौन था। वे रो रहे थे, महाप्रभु मुस्कुरा रहे थे। तब महाप्रभु ने कहा कोई और नहीं था, हम ही थे। जब चरणों से लिपट गए तपन मिश्र जी और कहा प्रभु अब मुझको आपने निद्रा से तो जगा दिया, सामान्य नींद से, अब ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अब ऐसा मोह की निद्रा से जगा दीजिए कि फिर सोना न हो। महाप्रभु जी ने कहा ऐसा ही होगा। तब तपन मिश्र जी ने महाप्रभु की शरणागति ली और महाप्रभु जी ने उनको नाम उपदेश किया। उस नाम को तपन मिश्र जी ने ग्रहण किया और हाथ जोड़कर कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है, अब अपने चरणों में रख लीजिए अपनी सेवा में। तब उस समय महाप्रभु जी ने कहा कि तुमको अपने साथ हमें नहीं रखना है। तो फिर वो ग्रस्त थे तपन मिश्र जी महाराज, बोले तुम यहां से काशी चले जाओ, वहीं तुमको कृपा प्राप्त होगी। कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, कुछ नहीं, बस काशी चले जाओ। और उन्होंने भी पलट के कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा नाथ आपके दर्शन कब होंगे। महाप्रभु ने कहा हम ही आएंगे कभी काशी, तुमको भी कभी कहीं नहीं जाना, काशी में रहना गंगा जी के तट पे। कोई सवाल नहीं, चल पड़े। इसी को कहते हैं निष्ठा, कोई प्रश्न नहीं। महाप्रभु जी तो पूर्व बंगाल की यात्रा करके नवद्वीप आ गए और तपन मिश्र जी अपने पूरे परिवार को लेके, संतान तो थी नहीं कोई और, पत्नी थी और जो परिवार के लोग थे उनको लेकर काशी आ गए और काशी में रहने लग गए और प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे, बिंदु माधव का दर्शन करते थे और जैसे शबरी जी बाट देखती थी भगवान की कि गुरुदेव कह गए हैं एक दिन राम आएंगे, ऐसे ही काशी में रह के वो महाप्रभु की बाट देखते थे, कब आएंगे ये नहीं पता। महाप्रभु की जो पूर्व बंगाल की यात्रा है ये 19वें वर्ष की है, तब तक विष्णु प्रिया जी से ब्याह नहीं हुआ था, लक्ष्मी प्रिया जी से हुआ था। और उसके बाद 4-5 वर्ष की नवद्वीप लीला, उसके बाद फिर सन्यास, और सन्यास के भी 30वें वर्ष में माने 6वें वर्ष में 30 वर्ष की आयु में महाप्रभु वृंदावन गए हैं, तब काशी गए हैं, माने लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो गए उनको काशी रहते रहते। अब बाट देखते थे महाप्रभु की और इधर महाप्रभु जी की नवद्वीप लीला पूरी हुई, सन्यास लिया महाप्रभु ने, पूरी गए, फिर दक्षिण भारत गए, फिर नवद्वीप गए, रामकेली ग्राम गए और फिर सन 1515 में
जब महाप्रभु की वृंदावन यात्रा हुई तब उस समय महाप्रभु जी काशी रुके और काशी में मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे, गंगा स्नान किया, साथ में बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास जी साथ थे। अब महाप्रभु जी का तो गंगा स्नान और कीर्तन अद्भुत, गंगा स्नान करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके कीर्तन करते थे। महाप्रभु के अंग स्पर्श से गंगा जी तरंगायित होती, गंगा जी के भीतर प्रेम की लहर उठती। जो महाप्रभु के मुख से हरि बोल सुना, सवेरे का समय था, तपन मिश्र वही मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके भजन कर रहे थे, पर जो महाप्रभु जी के मुख का कीर्तन सुना, महाप्रभु को पहचान तो नहीं पाए, क्योंकि महाप्रभु को देखा था घुंघराले केशों में पीतांबरी पहने हुए, और अब महाप्रभु सन्यासी हो गए थे, मुंडित मस्तक हो गए थे, पहचान नहीं पाए। लेकिन कंठ स्वर जब सुना हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पहचान गए। हजारों लोगों की भीड़ थी मणिकर्णिका घाट पे, ये तो मेरे प्राण वल्लभ का ईश्वर है, कहां है मेरे प्राण बंधु। भागते हुए तपन मिश्र घाट पे आए, जिस घाट पे महाप्रभु जी भुजा उठा करके कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, जितने लोग गंगा स्नान कर रहे थे, गंगा तट पे बैठे भजन कर रहे थे, सबको महाप्रभु कृष्ण नाम लिपवा रहे थे। जो देखा महाप्रभु को तैसे तपन मिश्र ने दंडवत प्रणाम किया है जाकर। महाप्रभु जी ने कहा कौन, तब तपन मिश्र ने कहा हे नाथ, अपने दास को मत भूलिए, मैं वही आपका तपन मिश्र हूं जिसको आपने एक दिन कहा था काशी चले जाओ, और तब से यहीं आपकी बाट देख रहा हूं मेरे नाथ। महाप्रभु बहुत प्रसन्न भए और तब तपन मिश्र को हृदय से लगाया। उसी दिन महाप्रभु जी आए थे काशी में, पहले दिन ही मिलना हो गया। तपन मिश्र ने कहा नाथ, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा देख रहा था, चलिए मेरे घर चलिए, कुटिया पे चलिए। तब महाप्रभु को लेकर गए, महाप्रभु जी के चरण धुलाए, माला चंदन किया, आसन प्रदान किया और पूरे घर के साथ महाप्रभु की सेवा की। और उस समय तपन मिश्र जी के यहां पुत्र का जन्म हुआ था, काशी आने के 2 वर्ष बाद उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ था। ये पुत्र ही है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो 6 गोसाई में रघुनाथ भट्ट जी हैं, वो तपन मिश्र जी के ही पुत्र। जिस समय महाप्रभु उनके घर पर गए उस समय 8 साल के थे रघुनाथ भट्ट जी, और श्रीमन महाप्रभु जी का कीर्तन सत्संग हुआ और उस समय अपने पुत्र रघुनाथ भट्ट को महाप्रभु के चरणों में डाल लिया है। और महाप्रभु जी ने अपने चरण कमल रघुनाथ भट्ट के शीश पर पधराए हैं और उसी समय रघुनाथ भट्ट जी के भीतर प्रेम का संचार हो गया, संचार हो गया प्रेम का। क्योंकि रघुनाथ भट्ट कौन है, गौर गणेश दीपिका में वर्णन है कि राधा रानी की राग मंजरी रघुनाथ भट्ट जी, जिनकी सेवा श्री जी को सुंदर सुंदर राग सुनाने की है। सब मंजरियों की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग सेवाएं हैं। उसमें जो रघुनाथ भट्ट जी हैं ये राग मंजरी है। हम प्रारंभ में सुनी आए हैं कि महाप्रभु जी के साथ उनका परिकर आया है तो राधा रानी की सखी मंजरी प्रकट हुई है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि मुझे दिखता है कि आकाश में कितनी पुण्यात्माएं घूम रही हैं, बहुत पुण्यात्माएं आकाश में घूम रही हैं। तो उनसे किसी भक्त ने पूछा कि घूम रही हैं, क्यों घूम रही हैं? बोले बहुत सी पुण्यात्माएं जन्म लेना चाहती हैं
पर जन्म क्यों नहीं ले रहे? बोले उनको उनके लायक मां बाप नहीं मिल रहे, वो मां नहीं मिल रही, वो कोख नहीं मिल रही जिसके माध्यम से आ जाए, वो पिता नहीं मिल रहा जिसके माध्यम से आ जाए। अनंत पुण्यात्माएं घूम रही हैं। जब हम लोग अपने जीवन बिगाड़ लेंगे, खान पान बिगाड़ लेंगे, विचार बिगाड़ लेंगे, तो घर पे ध्रुव प्रहलादों का कहां जन्म होगा, कहां जन्म होगा? तो तपन मिश्र जी के भजन का ही तप था कि उनके घर को, उनकी पत्नी को मां बनाने के लिए राग मंजरी ने चुना। ये बहुत बड़ी बात है। भक्त लोग कोख चुना करते हैं और भगवान हृदय चुना करते हैं, हृदय चुना करते हैं। ऐसे भगवान भी अवतार लेने को ललायित हैं, प्रकट होने को ललायित हैं। उनका तो सबसे प्रिय स्थान ही वैष्णव का हृदय है, पर नहीं भगवान का अनुभव हो रहा तो गंदी जगह तो कुत्ता भी नहीं बैठता, तो गंदे हृदय में प्रभु कैसे बैठेंगे? तो राग मंजरी का उनके यहां अवतरण हुआ था। महाप्रभु पहचान गए और राग मंजरी अपने प्रियतम प्रभु को पहचान गई, और फिर 10 दिन महाप्रभु जी रहे तपन मिश्र जी के यहां। और तपन मिश्र जी पर कृपा करना तो लक्ष्य होगा ही, पर मुख्य कृपा काशी आना दो कारण है। एक तो रघुनाथ भट्ट जी को सींचना है और दूसरा प्रकाशानंद जी का उद्धार करना था। तो प्रकाशानंद जी का उद्धार किया और रघुनाथ भट्ट जी को सींचा। सिंचाई बहुत जरूरी है। रूप शिक्षा में हमने सुना था कि गुरुदेव भगवान जब कान में मंत्र प्रदान करते हैं तो वो बीज है। किसान ने बीज बो दिया, लेकिन क्या बीज बो के काम चल गया? अब उसके लिए सिंचाई चाहिए, खाद चाहिए, धूप चाहिए। और वो खाद धूप पानी क्या है? भक्ति रूपी बीज को बढ़ाने के लिए सत महापुरुषों का सत्संग श्रवण और वैष्णव जनों के साथ विशुद्ध रूप में संकीर्तन, ये दो प्राण हैं, श्रवण और कीर्तन। इसके बिना बात नहीं बनती। श्रवण कीर्तन सिंचाई है, और उसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है कि बीज में से पौधा अंकुरित हुआ, बढ़ने लगा। अब एक वस्तु जरूरी है कि कहीं कोई भेड़ बकरी न खा जाए पौधे को, नहीं तो कितनी सिंचाई कर लीजिए, 4 महीने में पौधा बढ़ेगा, बकरी एक ही मिनट में सब बराबर कर जाएगी। और कहते हैं बकरी जिस पौधे को मुंह मार देती है उसके मुंह में कोई विष होता है तो पौधा पनपता नहीं है। तो ये भेड़ बकरी कौन है? वैष्णव अपराध, नामा अपराध, सेवा अपराध ही ये भेड़ बकरी हैं। अब महाप्रभु ने तो भेड़ बकरी नहीं, महाप्रभु ने तो चरितामृत में हाथी बताया है वैष्णव अपराध को, वो बकरी नहीं कहते। प्रियादास जी तो भक्तमाल में बकरी बताते हैं, तय बिघ्न डर छेरी हूं को बारी दे विचार बारी सींचो सतसंग सो। लेकिन महाप्रभु तो हाथी बताते हैं, कहते हैं बकरी चलो खा जाएगी, नाम निशान तो नहीं मिटाएगी, ये वैष्णव अपराध तो हाथी है, ऐसा सूंड में लपेट के जड़ से उखेड़ेगा कि नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए सावधान, कमाई बली थोड़ी हो लेकिन जेब कतरों से सावधान, चोरों से सावधान। जिसने अपनी जेब को बचा लिया उसने बहुत बड़ी आमदनी कर ली, और कमाए बहुत जेब रोज कट जाए तो क्या लाभ? तो श्रवण कीर्तन सिंचाई है, अपराधों से बचना, अपने पौधे को संरक्षण करना है। ये दो काम जब हो जाते हैं तब ये पौधा बढ़ता है धीरे 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 धीरे, ये पौधा बढ़ता है। इस पौधे को बढ़ते हुए देख के दो ही लोग खुश होते हैं, गुरुदेव और गोविंद।
दो लोग खुश होते हैं देख के। और ये पौधा एक दिन बढ़ते 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 ब्रह्मांड सतह का छेदन करके और गोलोक में पहुंच जाता है ये बेल। और गोलोक में कहां पहुंच जाती है, जहां श्यामा श्याम रूपी कल्प वृक्ष है। और ये बेल फिर श्यामा श्याम रूपी कल्प वृक्ष से लिपट जाती है और तब इस बेल के ऊपर फिर प्रेम रूपी फल लगता है। माने इस बेल को नीचे से तो गुरु संभालते हैं और ऊपर से श्री कृष्ण संभालते हैं, बात पूरी हो जाती है। सिंचाई बहुत आवश्यक है। तो महाप्रभु जी राग मंजरी को सींचने पहुंचे। अब कोई कोई बीज थोड़े में बड़ा फलीभूत हो जाता है, तो 10 दिन राग मंजरी जी को महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ और फिर महाप्रभु जी वृंदावन चले गए। फिर वृंदावन से लौटे, वृंदावन से लौटे तब प्रकाशानंद जी का उद्धार हुआ। अब के महाप्रभु जी को सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देनी थी, तो जब लौटे तब फिर तपन मिश्र जी ने कहा कि घर चलिए प्रभु। पर इस बार महाप्रभु रहे चंद्रशेखर आचार्य जी के घर पे, लेकिन भिक्षा रोज करने तपन मिश्र जी के ही जाते थे। चंद्रशेखर आचार्य जी के यहां विश्राम इत्यादि, लेकिन भोजन प्रसाद और सत्संग तपन मिश्र जी के यहां। तो फिर 2 महीने फिर संग प्राप्त हुआ महाप्रभु का। और महाराज एक क्षण का साधु संग जीव का कल्याण कर देता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्याद, अचुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। और यहां तो साधु शिरोमणि महाप्रभु हैं, उनका 2.5 महीने 2.5 महीने का सत्संग प्राप्त हुआ और उसी में काया पलट हो गई। राग मंजरी के भीतर वो अनुराग की ज्वाला प्रकट हो गई। और जिस समय महाप्रभु काशी से चलने लगे तब उस समय तपन मिश्र जी उनकी धर्म पत्नी और रघुनाथ भट्ट जी महाप्रभु के चरणों से लिपट लिपट के रोने लगे। महाप्रभु जी को जाना था, हमें भी साथ लेता जा, अरे मतवाले सन्यासी करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मतवाले सन्यासी तेरी आंखों की धाराएं हमारे दिल को पिघलाती, हमें भी साथ लेता जा, अरे मतवाले सन्यासी। महाप्रभु ने कहा किसी को साथ नहीं ले जाएंगे, आपको अब यहीं रहना होगा। तपन मिश्र जी ने कहा प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब महाप्रभु जी ने कहा ये रघुनाथ मेरा है। वो बहुत बड़भागी, महाप्रभु कह रहे हैं ये मेरा है, स्वयं भगवान कह रहे हैं तपन मिश्र ये रघुनाथ मेरा है, इसका विवाह मत करना, अभी तो तुम्हारी सेवा में रहेगा, इसको काशी में पढ़ाओ, पढ़ा लिखा के पंडित बनाओ और फिर इशारा प्राप्त होगा और तब इसके द्वारा प्रभु एक बड़ा कार्य कराएंगे। तब महाप्रभु चले गए और उसके पश्चात रघुनाथ जी काशी में ही रहे और फिर विद्या अध्ययन किया, 10 वर्ष पढ़ाई की और 10 वर्ष में महापंडित हो गए। भागवत जी का अध्ययन, समस्त वेद पुराणों का अध्ययन किया। और इसी बीच तपन मिश्र और उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया। तब रघुनाथ भट्ट जी अपने माता पिता की सब अंतिम क्रिया करके और फिर उनके प्राण पखेरु उड़ चले महाप्रभु की ओर। तब काशी का त्याग करके नीलाचल के लिए प्रस्थान किया। उस समय महाप्रभु की यही लीला चल रही थी, अंत्य लीला। रघुनाथ भट्ट जी पहुंचे हैं महाप्रभु जी के सन्मुख और उस समय श्री महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी की कुटिया पे थे।
हरिदास ठाकुर जी की कुटिया पे महाप्रभु जी रोज जाते हैं नियम से, और हरिदास ठाकुर जी के मुख से कीर्तन सुनते हैं, हरिदास ठाकुर जी उनको महामंत्र सुनाते हैं, महाप्रभु प्रतिदिन अपना प्रसाद भेजते हैं, जगन्नाथ जी का जो प्रतिदिन का प्रसाद मिलता है वो देते हैं, तुलसी देते हैं, चंदन देते हैं लाके, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी नहीं जाते जगन्नाथ जी के मंदिर कि मैं तो यवन शरीर वाला हूं मेरा मंदिर में प्रवेश नहीं है। महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी की कुटिया पे, और वहीं रघुनाथ भट्ट जी का आगमन हुआ, और इस मिलन को भी हमारे बाबा जी महाराज ने अपनी वाणियों में गाया है, रघुनाथ परे पद तले। कैसे रघुनाथ पत्तल में पड़ रहे हैं, कैसे महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे हैं, गोद में बिठा के अभिषिक्त कर रहे हैं, इसी का नाम आस्वादन है, इसी का नाम आस्वादन। आस्वादन करना भजन मार्ग में नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, नहीं तो संसार में देखते हैं जिस भजन को आदमी 10-15 बार सुन लेता है उसमें आनंद ही आना खत्म हो जाता है, बहुत सुन लिया, अब कुछ नया सुने, नया भजन नया पद सुने अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं, पर पुराने में आनंद आना खत्म हो गया ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। पुराने में आनंद आना खत्म हो गया इसका मतलब पद में आनंद नहीं ले रहे थे, लय में आनंद ले रहे थे, संगीत में आनंद ले रहे थे, ताल में आनंद ले रहे थे। अगर शब्द में आनंद लिया होता तो 10 बार नहीं 10,000 बार सुना होता तो भी मन नहीं भरता। वृंदावन में समाज है, राधा वल्लभ जी में, भट्ट जी में, बरसाने में समाज होती है, 500 साल से वही पद गाए जा रहे हैं उस तिथि पर, जिस तिथि मन तो जुड़ी नहीं रहा।